प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आज का आपका टॉपिक आप देख रहे हैं, कॉर्डेटा। बहुत ही अच्छा फाइलम है आपका। हम लोग इसी में आते हैं, ठीक है? तो हमें आसानी हो गई कि इसके हमें जनरल करेक्टर बड़े कम याद करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो लक्षण है वही इसके अंदर होंगे। ठीक है, देखिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, अब कॉर्डेटा का मतलब सीधा सीधा है कि ऐसे एनिमल जिनमें वर्टेब्रल कॉलम पाया जाएगा वो क्या कहलाएंगे। अभी तक किसी भी एनिमल में बोन का निर्माण नहीं हुआ था, हड्डियां नहीं बनी थी किसी में भी। इसमें बोन्स बनेंगी, हड्डियां बनेंगी। ठीक है, तो कॉर्डेटा देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम जो एनसीईआरटी ने दिया है वो समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए इस डायग्राम को आप। उसके बाद में मैं आपको इसके सामान्य लक्षण बताऊंगा और इसका क्लासिफिकेशन भी बताऊंगा, कैसे इसको डिवाइड किया गया है। एक ही वीडियो में हम लोग इसी में हम लोग क्लास साइक्लोस्टोमा भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए एनसीआर ने आपका एक डायग्राम बना रखा है फिश लाइक, मछली के समान, लेकिन मछली नहीं। मैं आपको सिर्फ इसके इंटरनल जो कॉर्ड होती है इसके अंदर जो, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। आई होप आप लोग समझेंगे ध्यान से। देखिए मैंने इसको बनाया, सबसे ऊपर मैंने, देखिए अगर हम लोग देखें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर है हम लोग, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर हमारी कौन सी हो सकती है? वो तीन, एक्टोडर्मिस, मीजोडर्मिस और एंडोडर्मिस। बाह्य, आंतरिक और मध्य त्वचा जिसको बोलते हैं। अब यहां देखिए, ये बॉडी के निचले सरफेस, देखिए ये डोर्सल ऊपरी साइड, डोर्सल, ये डोर्सल साइड है आपकी, डोर्सल, और ये वेंट्रल है। डोर्सल साइड पे क्या होता है बॉडी के? एक्टोडर्म हुई, क्योंकि सबसे बाहर एक्टोडर्म है। तो एक्टोडर्म किसका निर्माण करती है? नर्व कॉर्ड का। किसका निर्माण करेगी? नर्व कॉर्ड का। तो नर्व कॉर्ड कैसी होती है? अंदर से खोखली होती है। ये लिखा है आपकी एनसीईआरटी ने कि डॉर्सल या डॉर्सो एक्टोडर्मल होलो नर्व कॉर्ड, ऐसे एनिमल कॉर्डेटा के अंदर डॉर्सल सरफेस पर एक्टोडर्म द्वारा बनी एक क्या पाई जाती है? नर्व कॉर्ड पाई जाती है, जो अंदर से खोखली होती है। इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? इसमें नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। क्या होती है? नर्व कॉर्ड पाई जाती है। दूसरी बात देखो, हमारी मीजोडर्मिस आती है। तो मीजोडर्मिस क्या करती है? इसका काम होता है नोटोकॉर्ड का निर्माण करना, जो आपकी हेमिकॉर्डेटा में नहीं बनती थी। और नोटोकॉर्ड क्या है? देखो नोटोकॉर्ड कैसी होती है, ये सॉलिड संरचना, ठोस, अंदर से मजबूत होती है नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड सबसे मेन, मतलब कि इसी के आधार पर इसको डिवाइड किया गया, इसका मुख्य करेक्टर है। उसके बाद देखें इसकी बॉडी में क्या होता है, माउथ और एनस दोनों होंगे। इससे पहले आपने देखा होगा जो भी एनिमल थे उनके अंदर एनस तो पाई जाती थी, लेकिन बॉडी के सबसे अंतिम सिरे पे, बिल्कुल लास्ट में जो पोर होता था उसे एनस बोलते थे। लेकिन इसमें क्या है? इसमें देखो ये इसकी टेल है, लेकिन टेल से पहले क्या है? यहां पे इसका एनस है, ये वाला है, ये एनस है इसकी। तो इसमें पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, इसका मुख्य करेक्टर है नोटोकार्ड, इसका मेन करेक्टर। ये दो हो गए इसके। अगला देखो, इसमें तो एनस हो गई, माउथ हो गया। माउथ के आगे निकलेंगे तो क्या मिलेगा हमें? फेरिंग्स पाया था, ठीक है, ग्रसनी जिसको बोलते हैं। तो इसमें ग्रसनी पाया थी, ग्रसनी के अंदर लगभग 6 से 15, एनसीआर ने दिया बेटा, इसे आप ध्यान से लिख लीजिए, 6 से 15 क्या पाए जाते हैं आपके? 6 से 15 ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, यानी फेरेंजियल गिल्सलेट, इसके अंदर फेरेंजियल गिल्सलेट पाया जाता है कॉर्डेटा। इतनी बात क्लियर हुई? ये आपका एक चित्र बना था, मैंने चारों पांच चीज थी इसमें आपको समझा दी कौन सी क्या चीज है, इसमें कैसे बनी, किसके द्वारा बनी। ठीक है, अब देखो, अब हम इसके करेक्टर देखते हैं बेटा। तो करेक्टर में क्या है आप बताओ, इसमें क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, मतलब कि जो इसका शारीरिक स्तर होगा वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होगा। आप नोट कर लीजिए, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, आप परेशान ना हो इसके। ठीक है, पीडीएफ आपको मिलेगा इसका। उसके बाद में इसमें एलिमेंट्री कैनाल विकसित है, तो ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप की होगी, आपको पता ही है। ट्रिप्लोब्लास्टिक इसकी जर्म लेयर है, 1, 2, 3 हो गई। और क्या बायलेटरल एनिमल होते हैं? क्योंकि हम बायलेटरल हैं तो सभी एनिमल बायलेटरल होते हैं। सीलोम इसकी मैंने पहले बताया, इसमें सीलोम इंटेरो सीलोम पाई जाती है, इसमें पूर्ण विकसित जो होती है सबसे ज्यादा विकसित इंटेरो सीलोम होती है। ठीक है, तो बेटा ये क्या थे? इसके सामान्य लक्षण है। ये जल में भी पाए जाते हैं, हवा में भी उड़ने वाले होते हैं, स्थल में भी पाए जाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों में भी रहते हैं। ठीक
ठीक है। अब देखो, अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसको डिवाइड किया गया है दो क्लास में, इसको दो भागों में डिवाइड किया है। किसके आधार पर? तो आप बताएंगे इसमें जबड़ों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर संघ कार्डेटा को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। देख लेते हैं कौन कौन से दो भाग हैं। देखो वर्टिब्रेटा का अगर हम लोग डिवाइडेशन करें, ठीक है, तो वर्टिब्रेटा या कॉर्डेटा को दो भागों में डिवाइड किया गया है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, दो भागों में डिवाइड किया गया है, एग्नेथा और नेथोस्टोमा या स्टोमेटा। एक सेकेंड, अगर देखें हम लोग कॉर्डेटा यानी कॉर्डेटा या वर्टिब्रेटा को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। तो एग्नेथा की डेफिनेशन क्या होती है? एग्नेथा में क्या होता है, इसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, यानी दांत तो होंगे। अभी एनिमल देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आप लोग, देखिए इसमें बिल्कुल दांत तो कैसे, मतलब कोई मतलब ही नहीं कौन सा दांत कहां लगा। तो जबड़े नहीं होते लेकिन टीथ प्रेजेंट होते हैं। और नेथोस्टोमेटा में क्या होता है, जबड़े, जबड़े के मतलब जबड़े में दांत पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया दोनों में, ठीक है। अब जो एग्नेथा होता है उसको एक ही क्लास है उसका, साइक्लोस्टोमेटा, जो आप इसी वीडियो में देखेंगे, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा पढ़ेंगे। और अगर हम लोग देखें नेथोस्टोमेटा में, तो नेथोस्टोमेटा को दो क्लास में डिवाइड किया गया है, क्लास फिशीज या जिसमें आपकी सभी फिशेस आती है, कॉन्टिथीज, ठीक है, और टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब होता है जिसमें चार पैर पाए जाते हैं या जिसमें पैर होते हैं, ठीक है। तो पैर वाले कौन से? एम्फीबिया, उभयचर जिनको हिंदी में बोलते हैं, रेप्टाइल्स सरीसृप बोलते हैं इनको हिंदी में, एबीज पक्षी वर्ग बोलते हैं इसको, और मैमल्स, यानी मैमल्स का क्या है, स्तनधारी, ठीक है। तो टेट्रापोडा चार है, पिसीज में केवल एक ही है और एक साइक्लोस्टोमेटा में है। इन सारी चीजों को मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा कि साइक्लोस्टोमेटा का यह साइक्लोस्टोमेटा, बच्चों मैं आपको इसी में बता दे रहा हूं कि साइक्लोस्टोमेटा क्या हो सकता है। साइक्लोस्टोमेटा देखिए, आई होप आपने ये नोट डाउन, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, देखिए इसको, साइक्लो का मतलब क्या होता है, राउंड गोल, और स्टोमेटा का मतलब क्या होता है, माउथ। ऐसे एनिमल जिनमें राउंड माउथ पाया जाता है, गोल उनका मुंह बिल्कुल गोल होगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे हम लोग बोलेंगे, उस किसमें रखा गया, साइक्लोस्टोमेटा में रखा गया। इनके करेक्टर पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए सभी एनिमल कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं? एक्टोपैरासाइट, बताते हैं क्या होता है एक्टोपैरासाइट। इसका मतलब है किसी फिशिस, यानी जो कोई फिश हो सकती है उसके ऊपर क्या करेंगे, फीड करेंगे, परजीवी के रूप में मछली पे पाए जाते हैं, एक्टोपैरासाइट। बॉडी इलोंगेटेड होती है, बॉडी कैसी होती है, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड इनकी बॉडी होती है, और इनकी बॉडी पे स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, स्केल्स बताऊंगा क्या होते हैं अभी। और क्या होता है, ये अनपेयर्ड फिन होते हैं इनकी बॉडी, फिन्स तो इनमें पाए जाएंगे, फिन्स तो होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, वो भी चीज अभी आपको क्लियर कर रहा हूँ, अनपेयर्ड फिन क्या होते हैं। अगली चीज इसमें क्या है बेटा, इनमें गिल्स और गिल्सलेट प्रेजेंट होते हैं, गिल्स गिल्सलेट अभी आपने पढ़ा था, ये पाया जाता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, इनका माउथ जो होता है वो सकिंग एंड सर्कुलर होता है, इनका माउथ जो होता है वो सकिंग का मतलब चूसने वाला, क्योंकि ये फीड करते हैं मछलियों पे, तो चूसक टाइप का इसका, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, ठीक है। अगला क्या है इनका पॉइंट बेटा, अगला इसमें दिया है क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है लेकिन कॉटलेज का बना होता है, ये भी इसका इंपॉर्टेंट है। क्रेनियम, मैं सिर्फ क्रेनियम लिख रहा हूं, क्रेनियम काय का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, हड्डियां नहीं होती, कार्टिलेज,
हड्डियों के समान ही होता है, कार्टिलेज बहुत मुलायम होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें सर्कुलेशन जो होता है वो क्लोज टाइप का होता है। क्लोज टाइप क्या होता है इनका? परिसंचरण या सर्कुलेशन होता है इनमें। अगला पॉइंट है इनका मैराइन वाटर होते हैं। मैराइन वाटर, लेकिन यहां ध्यान रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूं टॉपिक, होते तो मैराइन वाटर है लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए कहां जाएंगे? फ्रेश वाटर। कोई एनिमल जब समुद्र से नदी तालाब झरनों की तरफ जाता है तो इस प्रकार का एक माइग्रेशन या प्रवास होता है, प्रवासन जिसको बोलते हैं। यानी रिप्रोडक्शन के लिए कहां जाएंगे? समुद्र से नदी तालाबों में। तो ये जो माइग्रेशन होता है इसे बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। और यदि कोई क्या होता है फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर में जाता है उसे बोलते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो ये क्या करता है, वैसे तो ये समुद्र में पाए जाते हैं लेकिन ये जनन क्रिया करने के लिए कहां जाएंगे? नदी तालाब झरने अर्थात स्वच्छ जल में जाएंगे। ठीक है, और बताएं रिप्रोडक्शन के तुरंत बाद ये मर जाते हैं। इनमें जनन क्रिया होने के बाद क्या होता है, इन एनिमल्स की डेथ हो जाती है। अंडे देने के बाद मतलब कि स्पर्म जायगोट मिलेगा, जायगोट बनने के बाद क्या करेंगे, नए बच्चे बनने स्टार्ट हो जाएंगे और बच्चे बनने के बाद क्या हुआ, ये तुरंत मर जाएगा। आप देखो इसका एक डायग्राम बना के मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मैं ये पेट्रोमाइसिन बना रहा हूं, ये ऐसा नहीं होता है तीर की तरह। ठीक है, ये यहां पे इसका ये माउथ ही आई, अब इसे फिन्स तो होते हैं लेकिन कैसे होंगे, अनपेयर्ड फिन्स होते हैं। अब देखो मैं दो चीजें क्लियर कर रहा था आपको भी, एक तो मैंने बताया था स्केल क्या होते हैं और एक मैंने बताया था आपको कि अनपेयर्ड फिन्स क्या होते हैं। जो फिश होती है हमारी मछली नॉर्मली, ठीक है, तो मछलियों में क्या होता है, मछली जो होती है उनके जो फिन होंगे वो बिल्कुल एक इधर है तो एक इधर ही होगा, पेयर के रूप में पाए जाते हैं, पेयर बनाएंगे वो सभी फिन्स इनके। इसमें साफ साफ लिखा है इनके फिन्स जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, बॉडी में एक को छोड़ के अल्टरनेट क्रम में होते हैं। ठीक है, उसके दूसरी बात यहां पे लिखी है कि इनमें स्केल्स नहीं होते हैं। मछली अगर आपने फिस देखी हो ना तो उसमें इस तरीके से उनकी बॉडी पे ऐसे फिन्स वो पाए जाते हैं, स्केल्स ऐसे, तो इनकी बॉडी पे क्या होता है, स्केल नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ये हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक किसके थे, क्लास साइक्लोस्टोमेटा के थे। इसमें क्या होता है, देखो एक्टोपैरासाइट है, मछलियों के ऊपर चिपक जाते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, बॉडी इलोंगेटेड गोल होती है और माउथ इनका सर्कुलर होता है। ठीक है, गिल स्लेट पाए जाते हैं इनमें, मैंने आपको पहले बताया था गिल स्लेट होते हैं हेमिकॉर्डेटा में। ठीक है, गिल स्लेट या गिल्स क्या होते हैं, और फिन्स कैसे होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, इनके जो पंख होते हैं वो कैसे होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। सकिंग माउथ होता है, सकिंग माउथ का मतलब कि माउथ मांस को या खून को चूसने वाला होता है, जो चुभा देते हैं किसी बड़ी फिश के बॉडी में और उससे क्या करते हैं, उसके ब्लड या मांस खाते रहते हैं। क्रेनियम और वर्टेब्रल कॉलम जो होता है वो बेटा बोन का नहीं बना होता है, यहाँ पे हड्डियां नहीं बनी है, बोन का ना बनके किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। और क्या है, क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है, बंद प्रकार का इसमें परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये सभी समुद्र जल में पाए जाते हैं लेकिन जनन क्रिया करने के लिए स्वच्छ जल में या समुद्र से कहां जाते हैं, नदी तालाबों में आ जाते हैं, और जनन के बाद तुरंत उनकी डेथ जाती है। ठीक है, अब ऐसा इनका जो माइग्रेशन है ना वो क्या कहलाता है आपको, एनाड्रोमस कहलाता है। ये मैंने आपको पेट्रोमाइसिन का डायग्राम बनाया है, पेट्रोमाइसिन, इसे हम लोग, इसका दूसरा नाम भी होता है लैम्प्रे, ये ध्यान रखना आपको, लैम्प्रे इसका नाम होता है दूसरा। ठीक है, एक इसका एग्जांपल और है हैगफिश, ये फिश नाम जरूर इसमें लगा लेंगे, फिश नहीं होती है। ठीक है, नाम है सिर्फ मछलियां नहीं, मछली हम लोगों ने बता दिया आपको पिसीज के अंतर्गत पड़ेंगे। ठीक है, और हैगफिश का दूसरा नाम होता है मिग्जीन, इसे मिग्जीन बोलते हैं, MIXINE मिग्जीन। तो बेटा ये इसके एग्जाम्पल। अब मैं
आपको बता दूं कि सारी चीजें आप इस तरीके से यहाँ साइक्लोस्टोमेटा क्लास पढ़ लीजिए। अगला क्लास हम लोग पिसीज पढ़ेंगे, ठीक है। पिसीज मछली कौन से क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है, तो हम मछलियों को अगली क्लास में लेके आएंगे। नोट्स आपको बनाने की बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि नोट्स में पीडीएफ में वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप वहां से लिंक ओपन करके और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, अपने आस पड़ोस सफाई बनाए रखिए।